बिजबिला जाता है उम्मीद है की आप सब लोग ठीक होंगे अलहमदिल्ला हम भी सब ठीक है तो क्या आप गाय लोगों के कैसे रमजान गुजर रहे हैं तो हमारा भी रमजान गुजरे तो आज आपके साथ हम मजेदार के साथ पेश मजेदारेश हुए क्योंकि पीछे ऐसा बोल रास्ता तो गाय आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें तो आज हम कौन सी टिप्स शेयर करने जा रहे हैं वीडियो के अगले से मैं आपको बताते हैं आप लोग घरेलू नुस्खे टोटके आज़माजमा कर थक चुके हुए हैं तो जी ये वाली आपने क्रीम लगानी है किस तरह लगानी है तो मैं बता देती हूँ आपको ईजिली बाजार से मिल जाती है ये मैं आपको साथ साथ की पैकिंग भी दिखा रही हूँ उसको अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ ईजिली किसी भी मार्केट से मिल जाती है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफतारियाँ सहरियाँ स्पेशली जिन घरों में तैयार की जाती हैं तो क्या होता है कि किचन के काम करने की वजह से घर के काम करने की वजह से वैसे भी हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं क्योंकि सर्फ में साबुन वगैरह में भी हार्ड डलता है फिर आगे चूल्हे के खड़ा होकर काम तो वो भी बहुत ज्यादा जी हाथों पैरों की स्किन को क्या कर देता है डल भी कर देता है और डैमेज भी कर देता है बट स्किन ज्यादा डैमेज तब होती है ज्यादा खराब तब होती है जब हम इसकी केयर नहीं करते अगर साथ साथ केयर करते रहोगे तो आप देखोगे आपके हाथ पैर कभी भी खराब होंगे ही नहीं बस आपने क्या करना है कि आधी ट्यूब आपने इसकी ले लेनी है देन आप इसमें शामिल करोगे इसी की क्वांटिटी से डबल आपने अगर आपने आधी ट्यूब लिया तो इसमें जी आधी बोतल ही आप ले लोगे जी इसके अंदर ग्लैसरीन ब्लैसिन किसी भी आप ब्रांड की ले सकते हो इजीली बाज़ार से मिल जाती है अच्छा मैं क्या कर रही हूँ मैं एक हफ़्ते के लिए इसको बना रही हूँ आप चाहो तो पूरी ट्यूब और ये जो हमने क्रीम के लिए वो वाली और साथ जो इसमें वैजिलीन है वो उसकी क्वांटिटी से डबल करके डाल दोगे उसको इस तरह मिक्स कर लोगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दुनिया के किस कोने से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा सिंपल से इग्रीडियंट हैं बहुत ही आराम बहुत ही मुफीद ये जो मैं आपके साथ होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी सिंपली हमने इसको मिक्स कर लिया है आप चलते हैं वीडियो के अगले से एक वीडियो के अगले से मैं आपको बता रही क्योंकि गोरा चट्टा होने का तरीका बता रही हूँ और आप फटाफटक गोरा चिट्टा होना चाहते हो तो जी आप इसमें शामिल करोगे वाइटनिंग कैप्सोल एक से दो दद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ठीक है और वाइटनिंग एप्सोल इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं इंस्टेंट ग्लो देते हैं पार्लर के कुछ जो हम जाते हैं क्रीम्स वगैरह के अंदर आप देखते भी होंगे कि वो यूज़ करते हैं ऐसा कि वाइटनिंग कैप्सोल जिसके वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो इसमें हम जी डालने हैं वाइटनिंग कैप्सोल एक से दो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी टोटली अभी तक इसमें हमने तीन चीज़ें डाल दी हैं ठीक है जी इसको डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे बहुत ही अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आता है और लड़के भी इसको लगा सकते हैं स्पेशली वो जी मर्द हज़रात जो कि बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसकी वजह से क्या है डायरेक्ट पोल्यूशन सन के जो लाइट वगैरह तो उसकी से हाथ पैर बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं और टैन हो जाते हैं अब आप इसमें शामिल करोगे कोई भी इस तरह की वाइटनिंग क्रीम खास पर ये वाली अगर हो जाए तो बेस्ट है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा ये दो तरह की होती है एक बीबी में है, और दूसरी इस तरह की जो मैंने आपको साशे दिखाया इस तरह की होती है अच्छा मेरे पास वो वाली दूसरी नहीं थी जो सा वाली होती है वाइट कलर में मेरे पास बीबी क्रीम थी मैंने इसमें फेल डब्ल्यू की वो डाल दी है बस मैं इसको डाल के मिक्स करूंगी और मैं आप कोशिश करना कि जो व्हाइट वाली मिलती है वो वाली आप इसमें ऐड करना अच्छा हमारे एरिया में मिल नहीं रही थी तो इसलिए मेरे पास अभी ये वाली मौजूद थी तो मैंने आपको तरीका समझा दिया आई होप आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा तमाम चीज़ों को बस मिक्स करना है मिक्स करने के बाद किसी भी आप इसको बर्तन में बॉटल में जार में जो भी आपके पास छोटी सी कोई भी डिबिया वगैरह घर में एक्स्ट्रा पड़ी होती है उसमें डालकर इसको आपने सेव करके रख लेना है ओके जी लगाने का तरीका क्या है तो वीडियो के अगले हिस्से में चल के आपको बताती हूँ इसको लगाना किस तरह इसकी अप्लीकेशन किस तरह आपने लगानी है ओके जी दिस इज़ डन दिस इज़ रेडी बस जी बिल्कुल ये रेडी है और अब आप आपने क्या करना है कि इसको किसी भी मेरे पास इस तरह की खाली डिब्बिया uh, पड़ी हुई थी तो मैंने उसमें इसको डाल लिया है पहले मैं आपको इसके एप्लीकेशन लगा के बता देती हूँ कि किस तरह आपने इसको लगाना है ओके okay, जी इसको लगाने की टाइमिंग है रात ही रात के वक्त आपने इसको लगाना है अपने सिर्फ़ हाथों और पैरों पर यहाँ पे मैं अगेन मेंशन कर दूँ ये सिर्फ़ हाथों और पैरों को गोरा छिटा करने के लिए है और इसको आपने तभी यूज़ करना है जैसे हफ्ता या दो हफ्ते तक आपने इसको यूज़ करना है जैसे शादी में किसी ब्याह वगैरह में जाना होता है हमने या कोई शादी के फंक्शन वगैरह होते हैं खानदान में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उससे आप जी दस से पंद्रह दिन पहले इसको लगाना स्टार्ट कर दें ठीक है जी दस से पंद्रह दिन इसको लगाना है और ज़्यादा लंबी इसकी टाइमिंग नहीं है और आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ पैरों और हाथों पर लगाना है ये फेस के लिए नहीं है, क्योंकि आप कमेंट करके मुझे पूछोगे तो बस जी रात के टाइम आप लगाओगे सोने से पहले उसके बाद आपने सुबह उठ के हाथों को वॉश कर लेना है ना सिर्फ हाथ सॉफ्ट होंगे बल्कि जो हाथों के ऊपर नशानात वगैरह पड़ जाते हैं जैसे हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो नशानात वगैरह भी पड़ जाते हैं हाथों पे तो वो भी रिमूव होंगे और स्किन जी बहुत ज़्यादा जल्दी गोरी चिट्टी हो जाएगी ये दोनों हाथों पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ इस तरह ये जी आपने इसको अच्छी तरह मसाज करना है ताकि जी अच्छी तरह स्किन के अंदर जस्प हो जाए और इसके बाद जी आपने सुबह उठ के इसको धो लेना है ठीक है जी और बस ये मैंने बिल्कुल लगा दिया रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छा इसको रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप इसको यूज़ करोगे तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाय बाय अल्लाह हाफिज़